सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हो चुका है और थर्ड शिफ्ट जो है एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, कुछ समय में जो है ये भी शिफ्ट खत्म हो जाएंगे। तो जो भी रिव्यू था आज का कि किस तरह के पैटर्न का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको लाइव वहीं से आपको दिखाया सेंटर से ही कि कैसा रिव्यू रहा। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जैसे मैं सेंटर पर गया, काफ़ी बच्चे ने मुझे पहचाना तो अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तबीयत जो है कल से जो है बेटर है, क्योंकि कल जो है मुझे काफ़ी फीवर था और फीवर जल्दी जानते हैं कि जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अभी भी मेरे बालों में जो है ना ऑयल लगे हुए हैं, वो क्या होते हैं ना, वो ठंडे तेल या कौन सा नवरत्न तेल इस तरह के होते हैं, तो वो लगे हुए हैं। तो ये इसलिए कि सर्दी खांसी और जो बुखार ये वायरल फीवर की वजह से हो रहा है। अभी जो है मौसम अचानक चेंज हुई है और जिसकी वजह से जो है मुझे ये फीवर पकड़ा। फिर भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सेंटर से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न जो है आ रहे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि फर्स्ट बार आपके DLED एंट्रेंस के हो रहे हैं। तो आपने रिव्यू का वीडियो देख ले, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे रात में एक वीडियो आएगी जिसमें जो है तीनों शिफ्ट का जो प्रश्न है आपको नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर ले, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं आपके द्वारा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि जो बच्चे पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उनके मन में यह सवाल बड़ी मतलब बार बार आती रहता है। और मैंने बता दूं कि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन जो आज हुआ है एग्जाम सेंटर पर वही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है और इसी को मैं आपको बता दूं। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस एक दो मिनट में इसे खत्म करेंगे, क्योंकि थर्ड शिफ्ट का रिव्यू जो है आप सभी लोगों को देना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे एक बंदे हैं और वो मुझे सारे जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा वो मुझे सेंड कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं पटना था लेकिन मैं घर आ गया, अभी जस्ट घर आया हूँ, क्योंकि पटना से मेरा घर थोड़ा दूर है और आती बाती रात हो जाती है, तो थोड़ी जल्दी ही निकल गए सेकंड शिफ्ट का रिव्यू लेने के बाद। थर्ड शिफ्ट का रिव्यू मैं नहीं ले पाया, फिर मैं कल कोशिश करता हूँ, कल दूसरे सेंटर पर जाऊँगा। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को कह दूँ कि जिन बच्चों का हाजीपुर और जिन बच्चों का छपरा स्टेशन के पास अगर कोई सेंटर हो तो वह नीचे सेंटर का नाम प्लस एड्रेस कमेंट करेंगे, मैं वहाँ से एक चूज करूँगा, वहाँ पर मैं मिलने जरूर आऊँगा आप सभी लोगों से। तो जिन बच्चों का हाजीपुर में होगा और जिन बच्चों का छपरा में होगा तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे नीचे, उन ऑप्शनों को मैं देखकर सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो फिर मैं पटना की तरफ रवाना होऊंगा। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। देखिए, तो एग्जाम सेंटर पर क्या हो रहा है और आपको क्या लेकर जाना है ये तो मैंने आपको बताया, फिर मैं छोटी सी वीडियो में आपको खत्म करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो समय पर एंट्री ले रहे हैं, आपको जो है एग्जाम से पहले वहां चले जाना। एग्जाम जब आपका समय है ना उससे आधा घंटा पहले जाए, एंट्री के समय से थोड़ा समय पहले ही पहुंच जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं ना वो रेनकोट ले ले और कुछ अपने कपड़े ले ले, क्योंकि अधिकांश जो है पटना में बारिश हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है 2-3 घंटे बारिश हुई है, लगातार हुई है। एग्जाम चल रहे थे, बच्चे भींग रहे थे, फिर भी जा रहे थे। मतलब जो सुबह से स्टार्ट हुई है वह दोपहर तक थी, दोपहर में फिर छुट्टी है, फिर हुई है, फिर छुट्टी है। तो जो भी बच्चे पटना में जा रहे हैं या हाजीपुर में है या छपरा में है, तो बारिश का मौसम जो है अभी मौसम परिवर्तन हुआ है, तो एक आप रेनकोट ले ले या छाता ले ले, ये जरूर लेंगे। देखिए, समय पर आपका एंट्री होगा, आप समय से पहले जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरा आपका कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर आपका आपका फोटो होना चाहिए। देखिए, एडमिट कार्ड फोटो होना चाहिए, फोटो कौन जो एडमिट कार्ड पर दिए हैं, फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या 10th या 12th का कोई भी आप ले लेंगे, एक या दो। फिर आपका पेन पेपर लेना है आपको, पेन और पेपर ले लेंगे, सॉरी पेपर नहीं, बस पेन और पेंसिल लेंगे, पेपर आपको अंदर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है ड्रॉप सीट के लिए अंदर आपको पेपर दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो ये 2-3 काम हो गए, आपको एंट्री लिया गया, एंट्री लेने के बाद जो है आपको एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट जो है मिलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो एडमिट कार्ड और आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ या आपसे नाम पूछेंगे और आपका पिन कोड पूछेंगे, ये काम हो रहा है। उसके बाद एंट्री जैसे लेंगे आप, उसके बाद थोड़ी आगे चलकर जो है आपको जो है वहां पर चेकिंग होगा। चेकिंग मतलब वही कि आपने कुछ गैजेट तो नहीं लेकर गया ना, जो मैंने आपको मना किया था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी तरह का मतलब नेकलेस वगैरह ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वो चेकिंग हो रहा है। उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट मिलाया जा रहा है। फिर आपका जो है अटेंडेंस लग रहा है और सिग्नेचर हो रहा है, अटेंडेंस आपका बायोमेट्रिक लग रहा है, फिर एक जगह आपका सिग्नेचर हो रहा है। उसके बाद जो है आपका सीट नंबर अलॉट किया जा रहा है, जैसे आप वहां पर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, अटेंडेंस बन जाएंगे, तो उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको सीट नंबर 102 या 5 220 ऐसे करके जो है जितना भी कंप्यूटर सिस्टम आपको बताएगा जो आपका रहेगा उसी पर आपको बताया जा रहा है कि आपका सीट जो है 78 है 75 है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। फिर आपको जो है समय होने से पहले जो है आपका
यूजर आईडी और पासवर्ड जो है बताया जा रहा है। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है समय होने से पहले, मतलब स्टार्ट जो आपका एग्जाम है उससे होने से पहले ही जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है बता दिया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है, फिर आपको समय होने पर जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है। और समय होने पर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो समय होने पर आपका इंड भी हो जाएगा। और जो चीज़ें नहीं ले जाना है वो एक बार देख ले, जूता पहन कर नहीं जाना है, फिर आपका फुल शर्ट नहीं पहन के जाना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है नहीं ले जाना है, बाकी सब आप ले जा सकते हैं। और जो ये सब चीज़ें नहीं ले जाना, समझ गए, बेल्ट भी नहीं पहनना है, बेल्ट भी आपको खोलना पड़ जाएगा। तो ये सब जानकारी जो है सेंटर पर हो रहा है। तो जो भी बच्चे ये बारे में पूछ रहे हैं ना, एक बार समझ ले। अब इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाने वाले, बहुत बन गया इसके ऊपर वीडियो, तो आप सभी लोग इसको देखें और जो भी रिव्यू देखे हैं उसको रिव्यू को देखें और उसके अनुसार जो है थोड़ा पढ़ाई कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।